नमस्कार दोस्तों, केके डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज खुशखबरी है, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती रिजल्ट घोषित हो गया है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा मैं आज। 13 मई से आप ये रिजल्ट वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके भी आप रिजल्ट देख सकते हैं अपना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारा चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ये लाभ मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, जिसमें से 146,060 अभ्यर्थी पास। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम मंगलवार दोपहर जारी हो गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में 12:30 बजे परीक्षा समिति की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से परिणामों की घोषणा की गई। पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों पर प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक यानी कुल 3-3 नंबर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से दिया गया है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत 431,466 अभ्यर्थियों में से 409,530 सम्मिलित हुए। इनमें से 146,060 यानी कि 35.66% सफल हुए हैं। सामान्य वर्ग के 36,614, ओबीसी के 84,868, एससी के 24,308 और एसटी के 270 अभ्यर्थी पास हैं। कोर्स के अनुसार बात की जाए तो डीएलएड बीटीसी करने वाले 38,610, शिक्षा मित्र 8,018 और बीएड के 97,368 और अन्य पाठ्यक्रम करने वाले 2,064 अभ्यर्थी सफल हैं। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अपना परिणाम बुधवार से वेबसाइट पर देख और उसे डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि भर्ती की फाइनल आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है। रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थी बुधवार से परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वकील गौरव यादव की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक सामान्य वर्गों के अभ्यर्थियों को 150 में से 65% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लाने होंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाए। जनरल 36,614, ओबीसी के लिए 84,868, एससी के लिए 24,308 और एसटी के लिए 270, शिक्षा मित्र पास 8,018। धन्यवाद।